यहाँ उत्तर प्रदेश स्टेट में बने अपने इस गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद काफी लंबे समय तक केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता जहां शुरू में कांग्रेस पार्टी व इसके बाद बीजेपी एवं अन्य और पार्टियों के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु यहां खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों में भी सत्ता से बाहर जाना पड़ा है। और इस मामले में लगभग यही स्थिति हमें अन्य और पार्टियों की भी यहाँ देखने के लिए मिली है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीजेपी भी केंद्र में इनकी सरकार की शुरू से ही चल रही खासकर आरएसएसवादी पूंजीवादी संकीर्ण सांप्रदायिक द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। और अभी चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है। और खासकर इस बार इनकी चौकीदारी की नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी। जिसे अब ये लोग इस चुनाव में जबरदस्ती देश में आम जन हिस्से जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने में लगे हैं, जिसमें इनको किसी भी कीमत पर कामयाबी मिलने वाली नहीं है। चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों ना लगा लें। इसके साथ ही वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के आम चुनाव में देश में विशेषकर गरीबों मजदूरों बेरोजगारों कर्मचारियों युवाओं महिलाओं किसानों व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों आदिवासियों पिछड़े वर्गों मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग एक चौथाई हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, जिस पर से इनका ध्यान बांटने के लिए खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों के घोषित होने के कुछ दिन पहले से ही देश में पिछले हुए लोकसभा आम चुनाव की तरह ही फिर से यहाँ किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके इन लोगों को गुमराह करने का भी पूरा पूरा प्रयास किया है, जिसके तहत ही ये पूरे देश में ये चुनाव घोषित होने वाले दिन तक भी अपनी सरकार की जबरदस्ती की असंख्य हवा हवाई घोषणाएं वे खोखले शिलान्यास एवं अध कच्चे कार्यों का ही उद्घाटन आदि करने में ही ज्यादातर जुटे रहे हैं। और इन्होंने अपना ये अभियान पुलवामा में हुए आतंकी हमले वाले दिन तक भी बराबर जारी रखा है, जिससे इनके राष्ट्रभक्त व देशभक्त होने का भी काफी कुछ पर्दाफाश हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इनके जबरदस्ती के किए गए इन कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार व आयोजन पर भी इन्होंने देश की जनता के
कई हजार करोड़ रुपए सरकारी खजाने के खर्च और कर दिए हैं, जबकि इस अपार धन को यहाँ देश के अति गरीब वे अति बेसहारा लोगों के हितों में भी लगाया जा सकता था, किंतु ऐसा इन्होंने नहीं किया। और इस मामले में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि यदि इनकी पार्टी वे सरकार तथा खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इन सब लोगों के हितों के कार्यों के मामले में वास्तव में सही ईमानदार व गंभीर होते, तो फिर अभी इन्होंने चुनाव के नजदीक जो भी यहाँ जबरदस्ती के शिलान्यास वे घोषणाएं आदि की हैं, तो इनको ये सभी कार्य यहाँ चुनाव घोषित होने से बहुत पहले ही काफी हद तक पूरे कर लेने चाहिए थे, किंतु ऐसा इन्होंने नहीं किया, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी या इनके खास चेहरे से वे बड़े बड़े पूंजीपतियों वे धन्ना सेठों को ही और ज्यादा माला माल वे धनवान आदि बनाने में ही लगी रही है। इसके साथ साथ इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगी रही है। इसके साथ ही आप लोग साइलेंट हो जाओ, ध्यान से मेरी बात को सुनो। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये चुनाव घोषित होने से पहले देश की आम जनता को वे विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों को भी लुभाने के लिए अपनी सरकार के आखिरी व अंतरिम बजट में जो भी इन्हें सौगाते दी हैं, तो ये ज्यादातर इनकी केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए दी गई नामचार की खोखली चुनावी सौगाते हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। जबकि यहाँ देश के किसान तो इस सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश में तो यहाँ बीजेपी की सरकार ने अपने छोड़े गए आवारा जानवरों व पशुओं के जरिए इनको और भी ज्यादा बर्बाद करके रख दिया है। इसके साथ ही यहाँ गन्ना किसानों का बकाया पड़ा व इनकी पूरी कर्ज माफी का मामला तथा इन्हें मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाएं भी ज्यादातर अब इनकी सरकारी फाइलों में या फिर इनकी खोखली ब्याजबाजी में ही सिमट कर रह गई हैं। जबकि आप लोगों को ये मालूम है कि जब उत्तर प्रदेश में मेरे नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही थी, तो मैं पश्चिमी यूपी के किसान भाइयों को ये कहना चाहती हूँ कि मेरी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में, आपके पश्चिमी यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों का और खासकर गन्ना किसानों का जो बकाया पड़ा था, तो उसको हमने पूरा अदा कराया। और इतना ही नहीं, जिन प्राइवेट मिल मालिकों ने किसानों का बकाया नहीं दिया, तो मेरी सरकार ने बिना कोई देरी किए हुए उन्हें जेल की सलाखों के अंदर भेज दिया था, ये भी आप लोगों को मालूम है। और मैं आज आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिला, तो फिर पूरे देश में राज्यों को इतने सख्त निर्देश दिए जाएंगे, फिर किसानों का किसी भी फसल का बकाया आप लोगों को नजर नहीं आएगा। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही देश के खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि होने वाला नहीं है, बशर्ते जब तक यहाँ इनकी वे अन्य विरोधी पार्टियों की भी इन वर्गों के प्रति अभी भी चली आ रही इनकी जातिवादी, हीन, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच पूरे तौर से बदल नहीं जाती है, जिसके कारण ही पूरे देश में अभी भी यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का
सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है। इनका पदोन्नति में आरक्षण तो अभी भी यहाँ प्रभावहीन ही बना हुआ है। इसके साथ ही केंद्र व राज्यों में भी पहले कांग्रेस की सरकार में और अब बीजेपी की सरकार में भी इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकार के भी ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े धन्ना सेठों व पूंजीपतियों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब इनको आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसके अलावा इन्हें जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए बने नियम व कानूनों को भी अभी सरकार भी अधिकतर प्रभावहीन ही बना दिया गया है, जिसके कारण अभी भी इनका हर स्तर पर आए दिन शोषण व उत्पीड़न आदि होना बंद नहीं हुआ है। इन वर्गों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा सत्तर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। और वर्तमान में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान होना भी लगभग बंद सा ही हो गया है। पर हर स्तर पर आए दिन हो रही जुल्म जाति भी ये काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा चुनाव के नजदीक देश में अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों को 10% आरक्षण देने से भी इनका पूर्ण रूप से उत्थान होने वाला नहीं है, बल्कि इसके लिए इनको अन्य और क्षेत्रों में भी जरूरी ठोस कदम उठाने होंगे। इसके साथ ही इनकी केंद्र की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है, तो उससे अब यहाँ पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ी है। और साथ ही इससे छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग अभी भी यहाँ काफी ज्यादा दुखी हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं। और खासकर कांग्रेसी सरकार में बोफोर्स का मामला और अब वर्तमान बीजेपी की सरकार में राफेल का मामला भी इस बात का खास सबूत है। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, जिसकी वजह से ही यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें अभी तक भी यहाँ काफी ज्यादा जानी माली नुकसान भी हो चुका है। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने केंद्र में पूर्व में रही कांग्रेस की सरकार की तरह ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपनी सरकार की खासकर सीबीआई, ईडी व आईसी आदि का भी अपनी विपक्षी पार्टियों के खासकर प्रभावशाली लोगों को जबरन फर्जी व गलत मामलों में फंसा के उन्हें कमजोर करने के लिए ही इनका काफी ज्यादा दुरुपयोग भी किया है, जो अभी भी लगातार जारी है। और अब मेरा यही कहना है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य और पार्टियों की जो भी यहाँ सरकारें रही हैं, तो वे देश व आम जनहित के मामलों में ज्यादातर विफल साबित हुई हैं, जिन्हें देश की जनता एक बार नहीं बल्कि कई कई बार आजमा भी चुकी है। और अब आपको इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और अब आप लोगों को इस चुनाव में इन सभी विरोधी पार्टियों को यहाँ केंद्र की सत्ता में किसी भी कीमत पर आने नहीं देना है, जिनको आप लोग काफी आजमा भी चुके हैं। हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियाँ किस्म किस्म के
साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी पूरी कोशिश करेंगे, जिनसे आप लोगों को इस चुनाव में भी हर मामले में वे हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में वैसे आप लोगों को ये मालूम है, चुनाव के दौरान यहाँ विरोधी पार्टियाँ अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया वे ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का भी जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, तो उनसे भी आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके अलावा आप लोगों को विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए उनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के भी बहकावे में कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर दरकिनारी कर देती हैं। और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उड़ता चला जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही हमारी पार्टी या दूसरी पार्टियों की तरह किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। और वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम और कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस संदर्भ में मैं खासकर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी ने देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में अपने जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में या केंद्र में अपनी सरकार बनने पर देश की जनता को जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो इनके अब ये अधिकांश चुनावी वायदे केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही यहाँ खोखले ही साबित हुए हैं। और इस मामले में इनका विशेषकर देश के हर गरीब को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से देने का ये वायदा भी अब यहाँ पूरी तरह से गरीबों के लिए एक मजाक सा ही बनकर रह गया है। इसके साथ ही इस पार्टी का सबका साथ व सबका विकास की कही गई ये बात भी अब केवल यहाँ एक जुमलेबाजी ही बनकर रह गई है। और इतना ही नहीं बल्कि चुनाव में अब इसी प्रकार के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, जिनकी सरकार को इस मामले में पूर्व में या देश की जनता काफी वर्षों तक आजमा चुकी है, जिसके कारण ही अब ये कांग्रेस पार्टी केंद्र के साथ साथ काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो चुकी है। और अब फिर से इस चुनाव में खासकर इस पार्टी के यानी कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया ने देश के अति गरीब लोगों के दुख को लुभाने के लिए इनको हर महीने 6,000 रुपए के हिसाब से देने की जो ये बात कही है, तो इससे भी इनकी गरीबी को दूर करने का कोई स्थायी हल निकलने वाला नहीं है। और वैसे भी केंद्र व राज्यों में हर पांच वर्ष में यहाँ ज्यादातर सत्ता परिवर्तन ही होते रहते हैं, जिसे खास ध्यान में रखकर हमारा इस संदर्भ में ये कहना है कि यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी सरकार यहाँ देश में अति गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपए देने की बजाय बल्कि इसके स्थान पर उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की ही पूरी व्यवस्था। वैसे भी बीएसपी की सोच व नीति के मुताबिक ये जटिल समस्या यहाँ हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है। इसलिए बीजेपी की तरह कांग्रेस पार्टी के भी इस प्रलोभन भरे वायदे के बहकावे में यह अति गरीब लोगों को कतई भी नहीं आना है, जबकि इस मामले में सभी ये जानते हैं कि इसी प्रकार की पूर्व में या कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ के नाम पर बनाए गए 20 सूत्रीय कार्यक्रम की नाटकबाजी इनकी दादी
इंदिरा जी ने भी की थी। लेकिन इस संदर्भ में खास ध्यान देने की बात ये भी है कि यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को भी केवल चुनाव के समय में ही या फिर सत्ता से बाहर रहकर ही इनको देश के खासकर अति गरीबों को 15 से 20 लाख रुपए देने की व अब हर महीने 6,000 रुपए देने की तथा इनके लिए अनेकों कार्य करने की ही या क्यों आती है, ये भी सोचने की बात है। अर्थात इन पार्टियों को ये सब कार्य करने की अपने सरकार में रहते हुए इनकी ये याद क्यों नहीं आती है, इस बात की तरफ भी आप लोगों को जरूर गंभीरता से सोचना होगा। इसी प्रकार कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों के भी नेताओं को विशेषकर चुनाव के समय में ही ज्यादातर इन्हें यहाँ मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा व मजार आदि पर अपना माथा टेकने, चादर चढ़ाने व किस्म किस्म की पूजा पाठ आदि करने के साथ साथ खासकर भीड़ वाले क्षेत्र में पदयात्रा, घाट यात्रा व रोड शो आदि करने एवं गंगा यमुना में भी डुबकी लगाने व यात्रा करने की तथा अपने कमजोर क्षेत्रों में फिल्म कलाकारों को टिकट देने व इनके जरिए भीड़ जुटाने आदि की ही याद क्यों आती है, ये सब भी यहाँ काफी गंभीरता से सोचने की बात है। हालांकि इन सब मामलों में अब देश की जनता भी धीरे धीरे ये समझने लगी है कि ये सब केवल इनकी आड़ में इनके वोटों को लुभाने व अपनी खुद की कमियों एवं विफलताओं पर पर्दा डालने के ही इनकी ये सब किस्म किस्म की कोरी दिखावटी नाटकबाजी है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। इसके साथ ही गठबंधन के लोगों को यहाँ मैं ये भी सावधान करना चाहूंगी, पूर्व की तरह इस चुनाव में भी यहाँ विरोधी पार्टियों द्वारा पर्दे के पीछे से बनवाए गए विभिन्न संगठनों व पार्टियों के जरिए इनके खड़े किए गए उम्मीदवारों को भी अपना वोट इन्हें अपने यार दोस्त, रिश्ते नातों व जाति बरादरी आदि के चक्कर में भी पड़कर इनको कतई भी देकर खराब नहीं करना है, वरना फिर इसका बहुत लाभ या विरोधी पार्टियों को जरूर मिल सकता है। और इस संबंध में मैं खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोगों को ये मालूम है कि यहाँ सर्व समाज के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पश्चिमी यूपी में और खासकर आपके सहारनपुर मंडल में, मेरठ मंडल में, मुरादाबाद मंडल में, बरेली मंडल में, ये कुछ ऐसे मंडल हैं जिन मंडलों में तो मुस्लिम समाज की आबादी काफी ज्यादा है, मेरा खासकर इस चुनाव में मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना है, आप लोगों को मैं ये सावधान करना चाहती हूँ और आप लोगों को भी मालूम है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस लायक नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके, गठबंधन ही इस लायक है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। इसलिए मैं खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना सावधान करना चाहती हूँ, इस बात का एहसास कांग्रेस को भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये मुझे ये जानने के लिए मिला है, कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही है हम जीते या जीते लेकिन गठबंधन नहीं जीतना चाहिए, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है ज्यादातर कांग्रेस पार्टी ने तो जगह जगह ऐसी जाति और ऐसे धर्मों के लोगों को खड़ा किया है जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच जाए। तो इसलिए मैं मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ, मैं ज्यादा दूर की बात आप लोगों के सामने नहीं रख रही हूँ, मैं सहारनपुर लोकसभा की सीट की बात आपके सामने रख रही हूँ। आप लोगों को मालूम है सहारनपुर लोकसभा की सीट के मुसलमानों को ये मालूम है कि हमारा ये जो मुस्लिम समाज का कैंडिडेट है तो इसका टिकट हमने बहुत पहले फाइनल कर दिया था,
लेकिन कांग्रेस पार्टी का टिकट फाइनल नहीं था, तो इन कांग्रेस को भी मालूम है कि सहारनपुर में कांग्रेस को कोई और दूसरा वोट मिलने वाला नहीं है। लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक तरफा अपना वोट बीएसपी के लोगों को, बीएसपी के यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदों को ही देकर तो आप लोगों को इन्हें कामयाब बनाना है। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि हर लोकसभा की सीट पर, हर लोकसभा की सीट पर काफी बड़ी तादाद में बीएसपी का बेस वोट है, और अब तो समाजवादी पार्टी के लोग भी मैदान में उतर पड़े हैं, हमारे जाट भाई भी मैदान पे उतर पड़े हैं, सब समाज के लोग मैदान में उतर पड़े हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को भावनाओं में बहकर, रिश्ते नातों यार दोस्तों के चक्कर में आकर अपने वोट को बांटना नहीं है। यदि आपको इस चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह उत्तर प्रदेश से दिलाना है तो आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है, बल्कि एक तरफ अपना वोट गठबंधन के उम्मीदवारों को देना है। ये मेरी खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से ये अपील है। इस प्रकार यहाँ गठबंधन के लोगों को ये सभी सावधानियां बरत कर पहले इस लोकसभा आम चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता में आने रोकना है, और फिर इसके बाद आगे चलकर इस पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में भी आने से जरूर रोकना है, उत्तर प्रदेश से भी। तो मोदी के साथ साथ योगी को भी भगाना होगा आपको, तभी फिर यहाँ केंद्र व उत्तर प्रदेश में भी, तभी फिर यहाँ केंद्र व उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के चल रहे खासकर इनके जातिवादी संकीर्ण सांप्रदायिक द्वेषपूर्ण व पूंजीवादी तथा अहंकारी तानाशाही व अन्याय वाले राज से भी काफी कुछ मुक्ति मिल सकती है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने प्रदेश के एवं देश के भी हित में अपने वोटों को इन सभी विरोधी पार्टियों को न देकर केवल यह अपने बने इस गठबंधन को ही देना है, जो ये केंद्र में अपनी सरकार बनने पर यहाँ पूरे देश में अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगा। इसके साथ ही केंद्र से जुड़ी उत्तर प्रदेश की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, इसके साथ ही केंद्र से जुड़ी आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी, तो उन्हें भी फिर जरूर दूर कर दिया जाएगा। और इस मामले में मैं फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ, आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा देश में आम जनहित के कार्यों को करने के साथ साथ यहाँ समाज में खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों का हर मामले में विशेष ध्यान रखा जाएगा। और तभी फिर यहाँ हमारे महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिसके लिए अब आप लोगों को या अपने इस बने गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जरूर कामयाब बनाना है। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन सबसे पहले सुबह उठते ही अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि इस मामले में हमारी महिलाएं भी कतई भी पीछे नहीं रहेंगी। हमारे कार्यकर्ताओं का हर पोलिंग बूथ पे, जो हमारी पोलिंग बूथ की कमेटी है, सेक्टर की कमेटी है, उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि कोई वोट हमारा पड़ने से ना रह जाए, उनका एक एक वोट डलवाना आप लोगों की ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों से
यही अनुरोध करती हूँ कि यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी सपा व लोकदल के बने इस गठबंधन ने यहाँ आपके इस क्षेत्र में जिन लोगों को भी अपना लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है तो उन्हें आप लोगों को जरूर कामयाब बनाना है। और इसके लिए यहाँ आपके सहारनपुर लोकसभा की सीट से इस गठबंधन के बीएसपी के उम्मीदवार श्री हाजी फजलुर रहमान को, बिजनौर लोकसभा की सीट से श्री मलूक नागर को, कैराना लोकसभा की सीट से वर्तमान में महिला सांसद तबस्सुम हसन को, मुजफ्फरनगर लोकसभा की सीट से चौधरी अजीत सिंह जी को, बागपत लोकसभा की सीट से इनके सुपुत्र श्री जयंत चौधरी को भी। हालांकि इनका प्रोग्राम बागपत का कल मेरठ में है, लेकिन ये इधर आए हैं, आपके रिश्ते नाते भी बागपत में होंगे, तो उनसे भी अपील करके इनको जरूर जिताना। अब यहाँ आप लोगों को रात दिन मेहनत करके भारी वोटों के अंतर से इन सबको जरूर जिताकर भेजना है, जिसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन बीएसपी के लोकसभा के उम्मीदवारों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के और सपा के लोकसभा के उम्मीदवारों को साइकिल चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के और आरएलडी के भी लोकसभा के सभी उम्मीदवारों को हैंडपंप चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के ही देना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप लोगों से रजा लेती हूँ, लेकिन अब मेरे बोलने के तुरंत बाद ही सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव इस चुनाव को लेकर अपनी जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखेंगे और फिर इनके बाद लोकदल के अध्यक्ष, लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुजफ्फरनगर लोकसभा की सीट के भी उम्मीदवार चौधरी अजीत सिंह भी अपनी बात रखेंगे। और अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ और मैं श्री अखिलेश यादव को कहती हूँ वे तुरंत आकर अपनी बात आप लोगों के सामने रखें। अब मैं आप लोगों से यही रजा लेती हूँ, जय भीम, जय लोहिया व जय भारत।